मच की जंग में बने रहने के लिए प्रिंस युविका ने कस ली है कमर। सौरभ और रिधिमा भी अपनी तैयारियों में नहीं छोड़ रहे हैं कसर। यूमी और टीवी पहुंच गया है नच बलिए 9 के रिहर्सल रूम में, जहां नच की दो जोड़ियां प्रीविका और सौरिधि जमकर पसीना बहा रहे हैं। नच बलिए के सेट पर अपने डांस का जबरदस्त तड़का लगाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वैसे भी 13 जुलाई को शुरू हुए इस मुकाबले में छठा हफ्ता आते आते वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला ट्विस्ट भी आ गया है। नच की जंग में कुल 7 जोड़ियां बची हैं और अब वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होने वाली है, तो हमारी मौजूदा जोड़ियां भी फिनाले तक अपनी जगह बचाए रखने के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं। चलिए सबसे पहले प्रिंस और युविका से जानते हैं कि उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। आफ्टर ऑल युविका ने तो इस प्रैक्टिस के दौरान अपना खून भी बहाया है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई है। अब हमें खुद अजीब लगता है अगर किसी चोट के बारे में बात करें, हमसे ज़्यादा तो बाकी लोगों को चोट लग रही है। इग्नोर करते रहते हैं हम लोग कि जितना इग्नोर करें, और सीरियसली जब दिमाग बटता है तो फिर ध्यान भी नहीं जाता। बाकी लोगों की तो पैर टूट रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, तो उनसे तो फिर हम सोचते हैं कि हमारा तो कुछ भी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। या ब्लस की अभी पप्पा ने हमें ठीक रखा हुआ है, ठीक रखा हुआ है, ठीक रखा हुआ है, कुछ ऐसी मेजर चोट नहीं है, मेजर इंजरी नहीं है। एग्जैक्टली, तो टच वुड यार नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी चोटें तो हर चीज़ में लगते हैं, कुछ भी काम करो उसमें। नहीं, हमें इंटरनली है चोट, इट्स जस्ट दैट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट। फिर अच्छी बातें करते हैं ताकि वो पेन को भूल जाएं। वेल, अब हम आपको नच का नया ट्विस्ट बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप बेहद मुस्कुराने वाले हैं। दरअसल इस बार मुकाबले में एक और ट्विस्ट आया है, रोल रिवर्सल का। इस हफ्ते की थीम के मुताबिक जोड़ियों में रोल की हो गई है अदला बदली, यानी कि लड़के बनेंगे लड़की और लड़कियां बनेंगी लड़का। तभी तो लगेगा नच की जंग में ट्विस्ट वाला तड़का। इसलिए प्रिंस आज विग लगाकर अपने एक्ट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए प्रिंस से जानते हैं कि लड़की बनकर पूरे एक्ट को परफॉर्म करने में उन्हें कितनी मुश्किल हो रही है। यस, क्योंकि सडनली मैं इतना गेटअप नहीं ले सकता, इसलिए मैं वो विग वगैरह मंगाया, पर इट्स टू डिफिकल्ट। वो पसीना आता है, चिपकते हैं बाल, यू नो, पूरी बॉडी पे वेट लेकर चलना, सो इट्स मैं तो देखने वाली हूँ शो जिस दिन हमारा शूट होगा उस दिन हाउ ही विल हैंडल एवरीथिंग, बिकॉज अभी तो सिर्फ बाल हैं, उस दिन मेकअप होगा, फुल बॉडी में पैडेड होंगे या और उसके बाद वैसे ही बैठना है तो वो पूरा दिन में रिलैक्स होने वाली, ऊपर से गंजी होने वाली, मुझे स्ट्रेस गंजी बन कर ज्यादा हो रहा है, मेकअप होगा नहीं हमारा। वेल, अब प्रिंस युविका ने फाइनल में जाने के लिए तो अपनी कमर कस ही ली है, लेकिन ये तो बताइए कि आप जजेस को क्या नया दिखाने वाले हैं। वो है कुछ कुछ होता है को हम रिक्रिएट करें, जिसमें मैं मिस ब्रिगेंजा बनी और ये बना है मिस्टर मल्होत्रा। सो राहुल अंजलि की स्टोरी सबने देखी है, अब इनकी स्टोरी दिखानी बाकी है। मिस्टर मल्होत्रा की लव स्टोरी किसी ने नहीं देखी लंबी। यस, तो अभी उनकी स्टोरी हम दिखाने वाले हैं, और वो भी फनी वे में एंड तक, कि वो कैसे उनके बीच में कैसा प्यार था। सो वही आपको देखकर मजा आएगा। वैसे युविका, आप एक्सप्रेशन से खेलने में काफी माहिर हैं, फिर भी एक्ट में ट्विस्ट आया है, तो आपको एक्सप्रेशन मेंटेन रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? एक्सप्रेशन में कोई मेहनत नहीं है, ये अंदर से ही आता है। हां, एक्चुअली जब तुम गेटअप लेते हो ना, तो तुम्हारे अंदर कुछ अदाएं हैं, क्योंकि हम नौटंकी वाज से शुरू से हैं, सो हमारे घर में ये चलता ही रहता है, तो वो निकल जाता है। बट हां, थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। आई लव डूइंग मिमिक्री एंड ऑल दैट, तो ये मुझे हेल्प कर रहा है इन सब चीजों में करने में ना, तो वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, मस्ती कर रही हूं बेसिकली। यू कैन सी ऑल द नॉटनेस। अब चलिए बिना देर किए हम आपको सौरभ राज जैन और उनकी ब्यूटीफुल वाइफ रिधिमा जैन की डांस रिहर्सल भी दिखा देते हैं। देखिए तो कैसे ये कपल रिहर्सल के दौरान भी पेशेंस के साथ एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते नजर आ रहे हैं। वेल, सौरभ, इस जंग में आपके अलावा 6 जोड़ियां और भी हैं, तो आप कौन सी जोड़ी को अपना रियल कॉम्पिटिशन मान रहे हैं? ये टफनेस जो जिसकी आप बात कर रहे हो, वो आई थिंक इट्स मोर टू डू हमारा कॉम्पिटिशन
हम ऐसा मानते हैं कि हमारे साथ ही है, क्योंकि हम दोनों ही नॉन डांसर्स हैं. उसमें से रिद्धि इज़ नॉट अ सेलिब्रिटी, शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ बींग टीवी एट ऑल. फर्स्ट टाइम वो सीधा डांस कर रही हैं, वो भी नच बलिए के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है वो ऐसा कर पा रही हैं. इसी के लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. सो कॉम्पिटिशन हमारा एक्चुअली किसी जोड़ी के साथ नहीं है, हमारा खुद से है कि हम एवरी टाइम कुछ अलग करें और बेहतर करें. वो कॉम्पिटिशन हमारा अपने आप से. रिद्धिमा, पहली बार आपने किसी डांस शो में पार्टिसिपेट किया है, कैसा रहा आपका अब तक का एक्सपीरियंस? ऑफकोर्स नच बलिए का प्लेटफॉर्म वैसे ही बहुत बड़ा है और सौरभ के साथ नाचने का मौका मिला तो और भी बहुत अच्छा लग रहा है. देखिए, कंपटीशन टफ है नो डाउट, पर यह है कि सबको मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है. और जैसे सौरभ ने कहा कि हमारी जो ये है, हम अपनी परफॉर्मेंस जैसे इस वीक हमने दी, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पिछले वीक से और अच्छी परफॉर्मेंस देने की हम कोशिश करें और मेहनत डालें, लोगों को पसंद आए, जजेस को पसंद आए और ढेर सारा प्यार मिले. वेल रिद्धिमा, अब आपको नॉन डांसर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अब तक आप कई सारे डांस फॉर्म स्टेज पर परफॉर्म कर चुकी हैं. लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप कौन सा डांस फॉर्म सीखकर सबसे ज़्यादा खुश हैं? सी पर्सनली कैसा होता है कि लोग ज़्यादातर बॉलीवुड या हिप हॉप वगैरह एलिमेंट्स सीख लेते हैं, बट क्लासिकल एलिमेंट सीखना एक बहुत ही अपने में बहुत अच्छी बात है. और हमने एक वीक में एक क्लासिकल फोक डांस किया था जिसका नाम था यक्षगाना. तो मेरे लिए पर्सनली वो बहुत ब्यूटीफुल था क्योंकि उसकी फॉर्मेशंस और पूरी इंडियन थी और जो हमने शायद कभी कभी नहीं किया था. तो मेरे लिए पर्सनली यक्षगाना बहुत अच्छा रहा मेरे लिए. भाई, ये जोड़ियां तो जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटी हैं. देखना ये है कि किसकी मेहनत स्टेज पर रंग लाएगी और जजेस की वाह वाही लूटेगी. मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24.